हेलो दोस्तों, मेरा नाम लालमान है। तो आज हम इस कमंडल में अनार से हॉल करके देखेंगे कि इसमें हॉल हो पाएगा या नहीं, और इस थाली में भी छेद कर देखेंगे छेद हो पाएगा या नहीं। बाद में सुतली बम को रख कर देखेंगे कि ये फटेगा या नहीं। सबसे पहले हम थाली के नीचे अनार को रखेंगे। और ये रहा अनार, और यहाँ पर हम अनार को लिए रखते हैं। तो हमें अनार सही से दिखे इसीलिए हमने दो ईंटें रख ली हैं। फिर हम इसके ऊपर से थाली रख देते हैं, ऊपर से ये अनार इसको उड़ाना दे, इसीलिए हमने ये ईंट रख दी है। तो अब बारी है इसमें आग लगाने की। रेड हॉट हो गया है ये बिल्कुल, इसमें काफ़ी बड़ा सा छेद हो गया है जैसा कि तुम देख सकते हो, और ये साइडों से ब्लू ब्लू सा हो गया है गर्म होने के कारण। पर आप देख सकते हो ये रेनबो जैसा बन गया है, बिल्कुल सेम कलर है। वो काफ़ी गर्म हो गया है ये। तो गाइस देख सकते हो इसका कलर बिल्कुल वाइट, और ये चूरन टाइप सा आ गया है इस पर, जम हुई, ये जली हुई इसकी केमिकल्स और बारूद वगैरह हैं जो कि इस पर आके कलेक्ट हुए हैं। तो दोस्तों तुमने देखा इस थाली का क्या हाल हुआ। तो अब बारी है कमंडल की। तो ये थाली से काफ़ी मजबूत है, देखते हैं इसमें हॉल होगा या नहीं। तो ये रहा अनार, और इसे हम रखते हैं कमंडल के नीचे। ये रहा लाइटर, तो हम अनार में आग लगाते हैं। We'll be right back.
आप देख सकते हैं इस कमंडल का हाल कैसा हो गया है, और ऊपर से आग निकल रही है, इसमें हॉल हो गया है, आपको दिख रहा होगा क्लियरली, आप देख पा रहे होंगे, ऐसा लग रहा है जैसे कि कैंडल जल रही है, आपको दिख रहा होगा काफी लाल हो गया है। ये काफी मजबूत था कमंडल, इसलिए थोड़ा ही हॉल हुआ है। आपने देखा थाली में काफी ज्यादा हॉल हो गया था, आपको दिख रहा होगा ये इसके अंदर वाइट वाइट हो गया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अनार ने इन दोनों का हाल कैसा कर दिया है। अब तो अब बारी है सुतली बम की, तो हम सुतली बम को रखते हैं। ये रहा कमंडल, देख सकते हैं आप, और ये रही थाली, आप देख सकते हैं थाली का हाल कैसा कर दिया है, बिल्कुल उल्टी कर दी है, इधर से खाने वाली इधर से कर दी, सारी फाड़ दी। गाइस जैसा कि तुम देख सकते हो इन दोनों बर्तनों का क्या हाल हुआ है, ये जो खाने वाली थाली है उसका तो पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया है। जैसा कि तुम देख सकते हो इसकी जो बाउंड्री थी वो इस साइड थी, बट इसका जो कमंडल का जब इसने इस पर फोर्स लगाया तो इधर से इसका कॉनकेव जैसा बन गया है, और तो इनकी जो ऊंचाई थी वो ऑलमोस्ट 40-50 फुट ऊपर गई थी, बट रात में हमें कुछ दिख नहीं पाया क्लियरली। तो आप ऐसा कुछ भी घर पर ट्राई करने की कोशिश ना करें, हम ये सारी चीज़ें सेफ्टी के साथ करते हैं, तो आपको ऐसा कुछ भी ट्राई नहीं करना है। आपको जो करना है वो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।